बहुत से बेचारे ऐसे लोग होते हैं जो इन्होंने फर्स्ट टाइम गिटार लिया है एंड कुछ ही दिन हुए हैं गिटार को होल्ड किए हुए, वो चाहते हैं कि मैं गिटार पर सॉन्ग परफॉर्म करूं, बट उनको समझ में नहीं आता कॉर्ड वो शिफ्टिंग नहीं कर पाते क्योंकि मोस्टली एक सॉन्ग में दो तीन कॉर्ड्स होती हैं एंड वो बिगनर के लिए फेस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी कॉर्ड शिफ्टिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता कि एक कॉर्ड के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। एंड आज का जो हम लोग टॉपिक है ये इसी चीज़ पर है कि कॉर्ड एक रहेगी एंड स्ट्रमिंग भी एक ही रहेगा, उस पर पूरे 10 सॉन्ग हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, तो अगर हेलो टू फैमिली, वेलकम टू माय चैनल, मैं फैसल। तो सबसे पहले आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, बिलेटेड। मतलब मैं सोच रहा था कि ईद वाले दिन की वीडियो अपलोड करूंगा बट किसी वजह से ये वीडियो अपलोड नहीं हो पाई क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग करी थी बट उसकी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, तो मुझे पूरी वीडियो डिलीट करना पड़ी जितनी भी रिकॉर्डिंग करी थी। सो सॉरी फॉर लेट विशेस। तो मैंने सोचा था कि ईद पर आप लोगों को सरप्राइज़ दूंगा कुछ इस तरीके से वीडियो से, क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट मेरे पास काफ़ी टाइम से आ रही थी क्योंकि बहुत से बेचारे ऐसे लोग होते हैं जो इन्होंने फर्स्ट टाइम गिटार लिया है एंड कुछ ही दिन हुए हैं गिटार को होल्ड किए हुए, कुछ ही दिन से प्ले, मतलब कुछ टाइम से प्ले कर रहे हैं कुछ दिनों से, और वो चाहते हैं कि मैं गिटार पर सॉन्ग परफॉर्म करूं, बट उनको समझ में नहीं आता कॉर्ड वो शिफ्टिंग नहीं कर पाते क्योंकि मोस्टली एक सॉन्ग में दो तीन कॉर्ड्स होती हैं एंड वो बिगनर के लिए फेस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी कॉर्ड शिफ्टिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता कि एक कॉर्ड के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, क्योंकि पहली बात तो वो इसी चीज़ में कन्फ्यूज रहता है कि गाना कब है एंड प्ले कब करना है, तो थोड़ा सी कॉम्बिनेशन सेट नहीं हो पाता। तो मैंने सोचा एक ऐसा टॉपिक मैं अपलोड करता हूँ जिससे सारे बिगनर्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल पाएगी, जो लोग सोचते हैं कि मैं एक कॉर्ड पे पूरा सॉन्ग परफॉर्म करूं। एंड आज का जो हम लोग टॉपिक है ये इसी चीज़ पर है कि कॉर्ड एक रहेगी एंड स्ट्रमिंग भी एक ही रहेगा, उस पर पूरे 10 सॉन्ग हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, तो अगर आप बिगनर हैं, कुछ ही दिन हुए हैं आपको गिटार लाए हुए एंड आप चाहते हैं कि सॉन्ग प्ले करना, तो आप इस लेसन को देखने के बाद आप इजी तरीके से 10 सॉन्ग परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, एक स्ट्रमिंग एंड एक कॉर्ड के ऊपर। एंड आप लोग को अगर मेरी कोई भी वीडियो पसंद आया करे या मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिला करे तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करिए क्योंकि उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इस तरीके की वीडियोस अपलोड करने के लिए। ओके, एंड अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेसन। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग आज एक कॉर्ड यूज़ करने वाले हैं एंड एक ही स्ट्रमिंग यूज़ करेंगे एंड उस पर हम लोग 10 सॉन्ग कवर करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें मैं कॉर्ड कौन सी यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें हम लोग कॉर्ड यूज़ कर रहे हैं ई मेजर। ओके, एंड ई मेजर को सबसे पहले हम लोग देखेंगे एज अ बिगनर। अगर आप फर्स्ट टाइम कॉर्ड होल्ड करने जा रहे हैं तो मैं बता देना चाहता हूँ कैसे इसको होल्ड करते हैं। थर्ड स्ट्रिंग, फर्स्ट फ्रेट एंड फर्स्ट फिंगर, फोर्थ स्ट्रिंग, सेकेंड फ्रेट एंड थर्ड फिंगर, एंड फिफ्थ स्ट्रिंग, सेकेंड फ्रेट एंड सेकेंड फिंगर। दिस इज योर ई मेजर कॉर्ड, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एंड एक चीज़ उन लोगों के लिए जो थोड़ी बहुत शिफ्टिंग कर लेते हैं, थोड़ा बहुत मतलब कॉर्ड शिफ्टिंग उनको आती है, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसी ई मेजर को आप लोग 5 स्टेप आगे ले जाएंगे, 1 2 3 4 5, दो स्टेप और आगे ले जाएंगे 1 एंड 2, ये आपकी पहली कॉर्ड होगी। इसी को 5 टाइम आगे करेंगे दूसरी कॉर्ड एंड 1-2 स्टेप आगे करेंगे ये तीसरी कॉर्ड। ओके, ये उन लोगों के लिए है जो लोग थोड़ी बहुत शिफ्टिंग करना जानते हैं या शिफ्टिंग करना चाहते हैं। ओके, एंड इस प्रोसेस में एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो जो माइनर सी है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जब भी हम लोग इस कॉर्ड को मूव करेंगे आगे की तरफ, जो मैंने बोला है कि 5 टाइम आगे जाएंगे 1 2 3 4 5। ओके, जब आगे जाएंगे तो एक चीज़ का हम लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग को ये 6 स्ट्रिंग जो आप देख रहे हैं, 6 स्ट्रिंग को हम लोग को साउंड नहीं आने देना। जैसे इस तरीके से साउंड आ रहा है, देखिए सुन सकते हैं आप, ये साउंड को हम लोग थंब से हल्का सी ऐसा कर लेंगे कि साउंड ना आए। ओके, एंड कोशिश ही हम लोग करेंगे स्ट्रोक्स में कि हम लोग 6, 5th, 4th स्ट्रिंग एंड 3rd स्ट्रिंग तक स्ट्रोक करें राइट हैंड से, चाहे आप लोग प्लेक्टम से करें एंड चाहे आप लोग हैंड से करें, बट कोशिश ये करें कि 6, 5th, 4th एंड 3rd स्ट्रिंग को स्ट्रोक हो, तब इसका साउंड प्रॉपर तरीके से आ पाएगा। यही चीज़ आप लोग को आगे वाली कॉर्ड में भी अप्लाई करना है सेम, कि ऊपर वाली को म्यूट रखना है, साउंड ना आए, थंब से ऐसे होल्ड कर रखना है। एंड अगर आप ई मेजर होल्ड करते हैं तो इसमें आप थंब लगाएं चाहे ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहें तो पूरा स्ट्रोक कर सकते हैं, बट ये चीज़ अप्लाई होगी फिफ्थ, जब फिफ्थ फ्रेट पर आएंगे, सॉरी
जब 5 स्टेप आगे आएंगे एंड 7 स्टेप ये आगे जाएंगे, इन दो कॉर्डों में यूज़ होगा। एंड जैसे मैंने बताया ई मेजर एंड 5 स्टेप आगे 1 2 3 4 5 एंड 6 7, तो आपकी 3 कॉर्ड बन जाएंगी 1 2 एंड 3। बस आपको इसी चीज़ को फॉलो करना है एंड प्रॉपर तरीके से इसका साउंड आएगा। ओके, बाकी जो हम लोग ये सॉन्ग कवर करने वाले हैं, ये जो बिगनर हैं वो एक ही कॉर्ड प्ले करेंगे, मतलब कोई भी शिफ्टिंग नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। अभी जो मैं आपको स्ट्रमिंग बताऊंगा, आप लोग उस स्ट्रमिंग को फॉलो करेंगे एंड एक ही कॉर्ड पे पूरे सॉन्ग परफॉर्म करेंगे। ओके, तो ये तो हो गया आपका पूरा कॉर्ड का पार्ट। एंड अब हम लोग देखेंगे कि इसमें स्ट्रमिंग जो मैंने यूज़ करी है वो कौन सी यूज़ करी है। डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन। ओके, आप लोग थोड़ा सीरियस मत होइए, मैं आपको एकदम पार्ट में डिवाइड करके बताता हूँ ताकि आप लोग इजी तरीके से प्ले कर पाएँ। ओके, तो इसको प्ले करने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे डाउन। एज अ बिगनर मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको स्ट्रमिंग में करने में प्रॉब्लम होती है। ओके, तो डाउन अप डाउन डाउन, पहले इस फोर्थ पार्ट को करेंगे डाउन अप डाउन एक साथ, देन डाउन, तो उसको हम लोग बार बार करेंगे एज अ बिगनर। डाउन अप डाउन डाउन, डाउन अप डाउन डाउन, डाउन अप डाउन डाउन, इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे जब तक रिदम में ना आ जाए। डाउन अप डाउन डाउन, और बिल्कुल स्लो से स्टार्टिंग करेंगे। ओके, जब धीरे धीरे करके आपका लगे कि रिदम बनने लगी है, देन आप लोग नॉर्मल स्पीड में लाएंगे डाउन अप डाउन डाउन। ओके, अभी 4 पार्ट जब क्लियर हो जाएंगे डाउन अप डाउन डाउन, देन फिर से अप डाउन एक साथ, तो टोटल कितने पार्ट हो गए डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन। मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से उसको क्लियरली देख सकते हैं। तो हम लोग पहले 4 पार्ट हो गए थे, उसमें 2 पार्ट और ऐड किए, मतलब 6 पार्ट हो गए थे टोटल स्ट्रमिंग के। डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन, इसको बिल्कुल स्लो करते हैं पूरा पार्ट को। डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन, इसको थोड़ा सी फास्ट करेंगे। डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन, इसको अब नॉर्मल स्पीड में प्ले करेंगे हम लोग। डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन, ये मतलब कुछ मिला के जब तक आप लोग प्रॉपर तरीके से एक रिदम में नहीं आ जाएंगे तब तक आप लोग को ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, हाफ हाफ इसको ब्रेक ब्रेक करके। ओके, एंड हम लोग का ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। एंड लास्ट में हम लोग इसमें फिलर ऐड कर देंगे डाउन अप डाउन अप। ये चारों चीज़ें, चारों स्ट्रोक एक साथ प्ले होंगे डाउन अप डाउन अप। ओके, तो हम लोग टोटल ऐड करते हैं डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन, इसको बिल्कुल स्लो प्ले करेंगे। देन स्लो प्ले करते करते जब आपको लगे कि आप कंफर्टेबल हो रहे हैं इस स्ट्रमिंग के साथ, देन उसको धीरे धीरे करके उसका लेवल इंक्रीज करेंगे एंड उसकी स्पीड को इंक्रीज करेंगे। तो मैं अभी स्लो से धीरे धीरे करके इसको नॉर्मल स्पीड में लाता हूँ। डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन 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 अप डाउन, नॉर्मल स्पीड डाउन अप डाउन 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 डाउन अप डाउन। ओके, तो आई होप आप लोग की ये स्ट्रमिंग क्लियर हो गई है एंड कॉर्ड भी क्लियर हो गई है। तो अब हम लोग चलते हैं इसके सॉन्ग की तरह और देखेंगे कि इसको कैसे अप्लाई करके हम लोग सॉन्ग 10 सॉन्ग को परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं सॉन्ग की तरफ। दिल के संदूकों में मेरे अच्छे ख्वाब रखना, जिन सितारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया। चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, ओ पिया चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या।
दिल से आह निकली थी दिल से रे सकती नहीं मैं जी सकता नहीं कोई दूसरी मैं शरदा भी रखता नहीं क्या तेरे बाजो मेरा पल भर चल जाओ दिल के संभल जाए कैसे तुम्हें मिलना है उस रब का इशारा मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया हर किसी के लिए पहला नशा के सारे जहान की जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया ओ साथी तेरे बिना है सुहाना है दर्द है
लाइक दिस वीडियो एंड आशा करता हूँ आपको इसकी वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिल पाई हो तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कि जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि आप लोग के लाइक एंड कमेंट से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इस तरह की वीडियोस अपलोड करने के लिए, तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करते रहा करिए, ओके। एंड आप लोग मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। एंड मेरे लेसन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो मेरी किसी भी वीडियोज़ को लेकर, तो आप लोग मुझे उस पर DM कर सकते हैं। एंड आप लोगों ने अगर मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।